हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन हब। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट JRF जुलाई 2018 की एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में। यूजीसी ने अपनी आंसर की जारी कर दी है और उम्मीद है कि आप सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी और अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया होगा। तो आइए अब देखते हैं इसके एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए नेट की कट ऑफ रहेगी 48% और JRF के लिए 55%। OBC की बात करते हैं नेट के लिए 44%, JRF के लिए 50%। SC की बात करते हैं नेट के लिए 41%, JRF के लिए 46%। ST की बात करें तो नेट के लिए 40% और JRF के लिए 45%। सब्जेक्ट हिंदी की बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसके लिए नेट की कट ऑफ 67%, JRF के लिए 58%। OBC की बात करें नेट के लिए 56%, JRF के लिए 63%। SC की बात करें नेट के लिए 51%, JRF के लिए 58%। ST की बात करते हैं नेट के लिए 49%, JRF के लिए 56%। अब बात करें सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की, तो इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए सबसे पहले 58%, नेट के लिए JRF के लिए 65%। OBC के लिए नेट की कट ऑफ 49%, JRF के लिए 60%। SC के लिए नेट की कट ऑफ 45, JRF के लिए 55%। ST की बात करें नेट के लिए 44%, JRF के लिए 54%। अब बात करते हैं सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की, तो इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए नेट की कट ऑफ 60%, JRF के लिए 68%। OBC की बात करें नेट के लिए 53%, JRF के लिए 62%। SC की बात करें नेट के लिए 51%, JRF के लिए 60%। और अंत में ST के लिए बात करें नेट की 49% और JRF की 58%। तो फ्रेंड्स, ये थी UGC नेट JRF जुलाई 2018 की एक्सेप्टेड कट ऑफ। और इसका क्राइटेरिया बताने की ज़रूरत नहीं है, आप नेट के स्टूडेंट हो आपको पता होगा। लेकिन इसके अंदर आपको बता दूँ, जो ये SC ST के लिए मिनिमम 35% रिक्वायर्ड होती है और जनरल कैटेगरी के लिए इसकी रिक्वायर्ड 40% होती है। दोस्तों, जो ये जुलाई 2018 वाला एग्जाम था, ये स्टूडेंटों के लिए गोल्डन चांस था, क्योंकि आपको पता होगा इस बार जो इसकी नेक्स्ट एग्जाम होगी वो UGC की जगह इसकी नेट जो NTA है वह इसकी एग्ज़ाम कराएगी और इसकी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी दिसंबर में, ये आप लोगों को पता होगा। और इस बार जो ये चांस था, ये गोल्डन चांस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो इसका नया पैटर्न होगा वह NTA एग्ज़ाम कराएगी इसका, वह जो और सारा एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा और अलग अलग दिन होगा। और इसमें हो सकता है, अभी तक तो UGC ने नेगेटिव मार्किंग का जो नेगेटिव मार्किंग थी वो जीरो थी, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन जो NTA है वह इसकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 रख सकती है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि इस बार ये स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस था। तो फ्रेंड्स, आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका नेट या JRF में सिलेक्शन है तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया चांस था। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि अपना 40% से कम बन रहा है, तो वह दिसंबर की जो NTA के द्वारा ली जाने वाली JRF नेट JRF की एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जुलाई 2018 में आपका जो कैलकुलेट स्कोर बना वो आप कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और NTA नेट JRF के लिए कोई भी नई अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी NTA नेट JRF संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा।